हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जन आधार के अंदर कि आप घर बैठे ही कैसे अपने जन आधार में चेंजेस कर सकते हैं, सदस्यों को एडिट कर सकते हैं, उनके अंदर अपनी जो सही डिटेल्स है वो अपने घर बैठे भर सकते हैं, अभी घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। ये नया अभी फीचर आया है। पहले क्या था कि ई मित्र के पास जाना पड़ता था हमें, तो वहाँ पे अब ये नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस लाता रहता हूँ हर रोज़ इससे रिलेटिव। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम क्रोम के अंदर। जैसे ही क्रोम के अंदर जाओगे तो आपको क्या करना है कि SSO ID को ओपन करना है। नई टैब पे SSO ID, तो SSO को ओपन कर लेना है। उसके बाद में राजस्थान सिंगल साइन को ओपन कर लेना है SSO को। वहाँ पे अपनी जो भी ID हो वो डाल दीजिए। तो मैं ID डाल देता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ID और कैप्चा डाल दिया है। अभी सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन हो चुका है, और पहले भी लॉगिन था इसी और टैब में, पासवर्ड डाल दिया है दोबारा और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये लॉगिन हो चुका है। अब बड़ी बात क्या है, अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको इस ये बहुत सारे ऐप दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको जाना अदर में। मतलब आप नई ID ओपन की तो नई ID की तो बहुत सारे ऐप नज़र आएंगे, ठीक है। उसमें सर्च करना है आपको जन आधार, ठीक है। और पुरानी ID है तो अदर ऐप में आपको जाना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे जन आधार आपको सर्च करना पड़ेगा। जन आधार जैसे सर्च करोगे तो जन आधार का पेज ओपन हो जाएगा, और जन आधार पे क्लिक करना है। अब भाई कईयों के क्या है कि अपडेट नहीं है जन आधार, तो क्या करना है आपको, ये बहुत सारे डॉट नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करोगे तो क्या है कि ये अपडेट नज़र आ जाएगी, अपडेट प्रोफाइल के लिए जो भी अपडेट करने हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो जन आधार ID दे रखी है, तो यहाँ पे क्या जन आधार इस साइड भामाशाह ऐड करने के लिए कहेगा आपको, और जन आधार ऐड करने के लिए कहेगा। तो वहाँ पे क्या है कि आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे जन आधार ID आपको एंटर करनी है, फिर OTP या पहले सदस्य फेस होंगे आपके सामने, वो सदस्य सेलेक्ट करके OTP भेज देना है, फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है, अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपके कारण जन आधार वाला सेक्शन में जाना है, जन आधार वाले ऐप के अंदर। जन आधार के ऐप को ओपन करेंगे जैसे इस तरह जैसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इनोरमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इनोरमेंट पे क्लिक करेंगे। मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। इनोरमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फैमिली इनोरमेंट स्टेटस है, सिटीजन एड मेंबर है, ई कार्ड, यहाँ से आप ई कार्ड अपना जो भी जन आधार है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड डॉक्यूमेंट अपलोड सिटीजन, तो सिटीजन के जो आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड हुआ है सिटीजन ऐड का, तो ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, ये ऑप्शन ऐड हुआ है इसके साथ। इसी के कारण आप यहाँ पे देखिए कर सकते हैं ऐड। और एक और ऑप्शन आया, वो आया है सिटीजन ट्रांसफर फैमिली, तो आप खुद ही कर सकते हैं, ई मित्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी सिटी, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी सदस्य को, जैसे उसने बना दिया ना किसी को ट्रांसफ़र करना है वो कर सकते हैं। सिटीजन यहाँ पे दे रखा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे रखा सिटीजन एडिटिंग, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमें भामाशाह ID रसीद संख्या नज़र आएगी, उसको क्या करना खोजे पे क्लिक करना है, पे आप ओके एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही एग्री पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे सदस्यों की जो है आधार नंबर वो नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ई आधार की भी फैसिलिटी है, KYC की, ई KYC आधार के ज़रिए। तो यहाँ पे क्या है, कुछ डिटेल्स हमें सेंड करनी है तो वो कर सकते हैं यहाँ से। जैसे जैसे किसी भी की डिटेल्स चेंज करनी है तो आपको करना क्या है, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे जिस सदस्य को करना है, आगे जो
बस उसमें क्लिक करना है। आधार की KYC करोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगा ये। आपको क्या करना है, eKYC पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन आईरिस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं OTP से कर रहा हूँ। OTP भेजे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर कर लेना है, जो OTP आ रहा है तो मैं OTP को एंटर करता हूँ और OTP मान्य पे क्लिक करूँगा। समय लगेगा, उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है वो ओपन आ जाएगी। और किसी और का अपडेट करना चाहते हैं तो क्या करना है, सदस्य एडिट पे क्लिक करना है। तो सदस्य को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि पूरा फैमिली कार्ड जो है वो एडिट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें सदस्य एडिट होगा, ठीक है, सदस्य एडिट। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा सदस्य एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस भी मतलब कोई भी सदस्य नया जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, वो तो पहले भी ऑप्शन था। अब देखिए जिनको भी एडिट करना है तो देखिए यहाँ पे उपलब्ध है, सभी का आधार संख्या सब कुछ उपलब्ध है। जिस किसी को भी जैसे एडिट करना है, जैसे किसी को भी आप एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे फोटो को एडिट करना है तो यहाँ पे क्या आसानी से आप फोटो भी एडिट कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि और भी काफ़ी संख्या वो एडिट कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी एडिट करें वेरिफिकेशन के लिए भेजें या अपडेट करें, इसको क्लिक करना है। जो भी है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जब आप वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट की जो स्लिप मिलेगी उसको आप प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पे एक PDF ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।